गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 9C. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग. क्वेश्चन ए, रमन बायज अ शार्पनर फॉर रुपीज 3.75 एंड अ कॉफी टॉफी फॉर रुपीज 1.50. हाउ मच डज ही स्पेंड इन ऑल. रमन ने एक शार्पनर खरीदा 3.75 रुपीज का एंड एक टॉफी खरीदी 1.50 रुपीज की. हाउ मच डज ही स्पेंड इन ऑल, तो उसने कुल मिलाकर कितना खर्च किया ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये शार्पनर की कॉस्ट है और जो टॉफी की कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि उसने टोटल कितना स्पेंड किया है. कॉस्ट ऑफ शार्पनर इज इक्वल टू रुपीज 3.75 एंड कॉस्ट ऑफ अ टॉफी इज इक्वल टू रुपीज 1.50. देयरफोर टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल टू रुपीज 3.75 प्लस रुपीज 1.50 इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, रुपीज 3.75 एंड रुपीज 1.50. 5 + 0 = 5, 7 + 5 = 12, 12 का 2 पॉइंट कैरी 1, 3 and 1 = 4 and 1 = 5 और रुपीज का साइन. ठीक, तो ये हो जाएगा रुपीज 5.25. आंसर लिखेंगे, रमन स्पेंड रुपीज 5.25. ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ए हो गया. नाउ क्वेश्चन बी, रोहित स्पेंड्स रुपीज 527.50 इन अ मंथ, मयंक स्पेंड रुपीज 745.25 इन अ मंथ एंड जीतू स्पेंड्स रुपीज 623.75 इन अ मंथ. हाउ मच डू ऑल ऑफ देम टुगेदर स्पेंड इन अ मंथ. कि रोहित ने इतने रुपीज एक महीने में खर्च किए हैं, मयंक ने इतने रुपीज खर्च किए हैं और जीतू ने इतने रुपीज एक महीने में खर्च किए हैं, तो उन तीनों ने मिलाकर एक महीने में कितना मनी खर्च किया है. रोहित स्पेंड रुपीज 527.50, मयंक स्पेंड रुपीज 745.25 एंड जीतू स्पेंड रुपीज 623.75. देयरफोर टोटल मनी स्पेंड इन अ मंथ इज इक्वल टू रुपीज 527.50 प्लस रुपीज 745.25 प्लस रुपीज 623.75 इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ रफ में करेंगे, रुपीज 527.50 745.25 एंड 623.75. 5 and 5 = 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 and 2 = 7, 7 and 7 = 14, 14 and 1 = 15 कैरी 1, 5 and 3 = 8, 7 and 1 = 8, 8 and 8 = 16, 16 का 6 कैरी 1,
2 and 1 3 3 and 4 7 7 and 2 9 and 5 and 7 12 12 and 6 18. ये रुपीस का सिंबल, ठीक है, कितना आएगा रुपीस 1896.50. आंसर लिखेंगे दे स्पेंड रुपीस 1896.50 इन अ मंथ. ठीक है, नाउ क्वेश्चन सी. रवीना बॉट टू पेयर्स ऑफ शूज फॉर हरसेल्फ. वन पेयर कॉस्ट रुपीज 350.45 एंड द अदर पेयर कॉस्ट रुपीज 673.75. हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन द शूज. रवीना ने दो पेयर खरीदे शूज के. एक की कॉस्ट थी रुपीज 350.40 और दूसरे की कॉस्ट थी 673.75. तो रवीना ने कितना मनी किया अपने कितना मनी स्पेंड किया अपने शूज़ के ऊपर, मतलब उसने कुल मिलाकर कितना खर्च किया अपने दोनों शूज़ खरीदने के लिए. कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पेयर, दोनों के कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट पेयर इज इक्वल टू रुपीज 350.45 एंड कॉस्ट ऑफ सेकेंड पेयर रुपीज 673.75. देयरफॉर टोटल मनी स्पेंड is equal to 350.45 and 673.75. यहाँ प्लस कर लेंगे 350.45 and 673.75. 5 and 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 and 4 11, 11 and 1 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 and 1 4, 5 and 7 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 and 3 9 and 1 10. और ये रुपीस का सिंबल. ठीक, तो कितना मनी खर्च किया उसने, रुपीस 1024.20. आंसर लिखेंगे रवीना spend rupees 1024.20 on the shoes. Okay, now question 4. Joy bought his math book for rupees 200.85 and stationery for rupees 349.15. How much money did he spend in all? जॉय एक लड़का है, वो मार्केट से शॉप से अपने पढ़ने लिखने का कुछ सामान लेके आया जिसमें बुक थी उसकी 200 रुपीज़ 85 पैसे की एंड स्टेशनरी. स्टेशनरी माने जो पढ़ने लिखने का और सामान होता है, पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, कलर्स हैं, या बुक है, कॉपी है, सॉरी बुक नहीं कॉपी है. ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, स्टेशनरी का सामान होती हैं. तो मैथ्स की बुक खरीदी उसने 200 रुपीज़ 85 पैसे की और बाकी स्टेशनरी का सामान खरीदा उसने 349 रुपीज़ 15 पैसे का. तो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, कुल मिलाकर उसने कितना खर्च किया, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बुक की कॉस्ट और जो स्टेशनरी के लिए उसने खर्च किया उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मैथ्स बुक रुपीज 200.85 एंड कॉस्ट ऑफ
stationery is ₹349.15. Therefore, money spent in all is equal to ₹200.85 plus ₹349.15. इसको यहाँ सॉल्व कर लेंगे. ₹200.85 प्लस ₹349.15. 5 and 5, 10, कैरी 1, 8 and 1, 9, 9 and 1, 10, 0, कैरी 1, 9 and 1, 10, 10 का 0, कैरी 1, 4 and 1, 5 and 2 and 3, 5. ठीक, तो कितने का उसने पूरा टोटल सामान खरीदा? ₹550 का. ₹550. अब क्योंकि पैसे की जगह डबल ज़ीरो है तो इसलिए हम खाली रुपीस भी लिखेंगे तो भी ठीक है. ओके, आंसर जॉय स्पेंड ₹550 इन ऑल. ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आप लोग आज के लिए करेंगे. और जो मैं यहाँ पर साइड में ये वर्किंग करती हूँ ये भी कंपलसरी है आपको करना, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन कुछ बच्चे केवल ये वाला पोर्शन करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं. ये गलत है, ऐसे नहीं करना है. हमको ये करके भी दिखाना है कि हमारा आंसर कैसे आता है. ओके, तो इसको जो रफ वर्किंग मैं करती हूँ इसको भी आपको हर सम के साथ करना है. ठीक है.